हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा इंडियन नेवी में एक SSR SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्वायरमेंट जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आज मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा। लेट्स फॉलो। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इवेंटेड फॉर सेलर। इसमें एप्लीकेशन इनवाइटेड है फरवरी 2018 की बैच के लिए। मतलब कभी आप अभी जैसे सिलेक्शन आपका जब कम्प्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे फरवरी 2018 में आपकी बैच स्टार्ट होगी। इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? क्लास 10th से 10+2 के अनमेरिड जिनकी शादी नहीं हुई वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 फरवरी 1997 टू 31 जनवरी 2001। इसमें आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन करना है। इसके नेवी सेलर ऑफ और SSR 01/2018 की बैच के लिए है 2 फरवरी में। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। इसकी डिटेल्स से इंडियन नेवी की एप्लीकेशन इनवाइटेड हुई थी, मतलब जब स्टार्ट हुई थी 22 मई 2017, और इसकी लास्ट डेट एप्लीकेशन फिल करने की वो है 4 जून। फ्रेंड्स, मतलब बहुत ही कम टाइम बचा है। इसके आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे अगस्त में। आपका रिटर्न टेस्ट होगा सितंबर में। फ्रेंड्स, इसमें SSB इंटरव्यू डायरेक्टली नहीं होगा, आपको उसका रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा। 21 दिसंबर को रिजल्ट आएगा और उसके फरवरी में आपको 2 महीने बाद आपको ज्वाइन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आपको अनमेरिड होना चाहिए, आप इंडियन मेल होना चाहिए, या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान, मतलब आप नेपाल या भूटान से 1947 के पहले आए हो या 1958 के पहले। आपकी डेट ऑफ बर्थ जैसा आपको बताया है 1997 में, द रिक्वायर्ड एज एप्लीकेशन शुड बी 16 ईयर्स टू 20 ईयर्स। मतलब आपको भी अभी आपकी डेट 1997 से 31 जनवरी 2001 के बीच में आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका क्लास 12th से आप पास आउट होना चाहिए। इसके बाद कैंडिडेट शुड मैथ्स फिजिक्स, मतलब आपका PCM सब्जेक्ट होना चाहिए, PCMB फिजिक्स के मैथ्स प्लस बायो, या फिर आपका मैथ्स मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट है। मतलब आपको फिजिक्स और मैथ्स तो होना ही होना चाहिए। उसके बाद आप केमिस्ट्री ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, बायो ले सकते हैं, एज यू विश। सेंट्रल बोर्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं, बेसी स्टेट बोर्ड मतलब जैसे MP UP उसे ही बोर्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नेवी SSR अप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड, तो उसकी अप्लीकेशन लास्ट डेट है 4 जून। कैंडिडेट सजेस्ट फॉर इंडियन नेवी जनरल रजिस्ट्रेशन फॉर अप्लीकेशन। The filling application form, candidate are required to keep copies of last 10th. सबसे पहले तो आपको 10th और 12th की मार्कशीट अपने पास रखनी है, जिसपे एक अपना स्टार का साइन बना रहेगा, वो आपको कंपलसरी फिल करना है। जैसे आपको 10th का रोल नंबर वहाँ पे कंपलसरी डालना है। इसमें मैक्स वाले जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें मांगा जाता है क्या मांगा जाता है सॉरी फ्रेंड्स, इसमें आपका का जो अपना सर्टिफिकेट है 12th का रिजल्ट, उसका सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है, जो MP बोर्ड में नॉर्मली मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है। मैं अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसे मुझे मिलता है मैं आपको बता दूँ। कभी आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। अप्लीकेशन मस्ट इंटर ईमेल आईडी कंपलसरी, अपनी खुद की ईमेल आईडी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए आप कि जहाँ पे सब फॉर्म भर रहे वो अपनी ईमेल आईडी नहीं डालें, क्योंकि इसके बाद आपको इस ईमेल आईडी की सख्त ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली आपको SSB इंटरव्यू था तो सब कुछ इसी ईमेल आईडी पे आता, तो आप अपनी खुद की ईमेल आईडी बनाएं, खुद का नंबर रजिस्टर्ड करें या अपने पापा का, जिससे आपके पापा का बैंक अकाउंट हो, क्योंकि वो नंबर कभी बंद नहीं होता, आपके पापा उसका नंबर को हमेशा संभाल के रखते हैं, है ना फ्रेंड्स। बिफोर क्लिंग सबमिटेड सजेस्ट ऑल द करेक्ट है। फ्रेंड्स, इसके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा नेवी की साइट पर, खुद का रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद जब भी आपको रजिस्ट्रेशन कोई सा भी फॉर्म आता है नेवी में, आपको वहाँ पर जाके सिर्फ क्लिक करना है ओके, फिलअप अपनी एप्लीकेशन भरना है और ओके करना है, तो वो फॉर्म एकदम सही होना चाहिए। कभी आप फॉर्म गलत डालते हैं तो वो दिक्कत दे सकता है, मतलब आपको हमेशा ब्लैकलिस्ट के लिए भी डाल सकते हैं कभी फॉर्म में कुछ गलत डिटेल्स रहती है तो। फोटोग्राफ 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स आपको, क्योंकि आपके फेस पे मार्क जैसे कौन सा निशान है वो आपको नेवी में दिखाना पड़ता है। आधार कार्ड सबसे मेन चीज़ है, आधार कार्ड यहाँ पे फ्रेंड्स, आधार कार्ड में कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जो भी मिस्टेक है अभी आप क्लियर करा लीजिए, है ना फ्रेंड्स। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू टेक 2 फोटोकॉपीज ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन। आपकी जो एप्लीकेशन फिल्ड होती है उसकी 2 कॉपीज रख लेना अपने पास।
टू कॉपीज प्रिंटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विथ वन कॉपी ड्यूली साइंड। आपको अपनी दो साइन करना है उस पर, आपकी अटेस्टेड कॉपी ऑफ लास्ट टेंथ, खुद भी अटेस्टेड करा सकते हैं या किसी ऑफिसर, मेरे हिसाब से आप ऑफिसर से अटेस्टेड करिए, कोई मतलब एक पोस्ट पे जो भी ऑफिसर हो उसे आप अटेस्टेड करा सकते हैं, टेंथ ट्वेल्थ। उसके बाद डोमिसाइल, मतलब एज आपके पास और कोई सर्टिफिकेट हो वो एनसीसी सर्टिफिकेट होता है फ्रेंड्स, तो आपके उसके लिए बहुत से बेनिफिट मिलता है। कभी आपको एसएसबी इंटरव्यू होता है तो आपका वहाँ पे एक इंप्रेशन बनता है कि हाँ बंदे का एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो आप में कुछ बात होगी कि आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है या कोई सर्टिफिकेट है। वन सेल्फ एड्रेस एनवलप मेजरिंग 22x22 cm विथ 10 rupees स्टैम्प स्टक। आपको नीचे वाले आपको गिवन एड्रेस दूंगा मैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एड्रेस दे दूंगा, उस एड्रेस पे आपको ये एनवलप फिल करके भेजना है। साइज आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये आप किसी भी जनरल स्टोर से ना खरीदें, आप जाए मतलब एक एनवलप की शॉप पे नॉर्मली, जहाँ पे अपन पोस्ट ऑफिस टाइप पोस्ट ऑफिस में जाए, या फिर आप जैसे आपका कोर्ट रहता है नॉर्मली कोर्ट में, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठते हैं, यहाँ पे स्टैम्प मिलते हैं, ये सब मिलते हैं, तो स्टैम्प वाले से आप इस साइज़ का ले लें। ठीक है फ्रेंड्स, सबमिशन एप्लीकेशन फॉर ऑफर, इसमें तो इतना कुछ है नहीं। कभी आप एक बार अपने फॉर्म सबमिट कर देते फ्रेंड्स, तो उसके बाद आपको वापस एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखें कि सारी डिटेल्स फिल करेक्ट हो, अपना रिजल्ट का जो है वो एकदम सही परसेंटेज में देखना, और उसके बाद आपका जो रोल नंबर है वो सही होना चाहिए। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन द एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट ऑल्सो एडवाइज टू कीप एटलीस्ट टू प्रिंट आउट, जैसे आपको मैंने ऊपर बताया। एडमिट कार्ड का आपको यहाँ पता चल जाता है, एडमिट कार्ड आपके अगस्त में आ जाएंगे, अगस्त मंथ में। ये अभी कुछ डिसाइड नहीं कब आएगा आपको, नो इंडियो कॉल लेटर नहीं आएगा खुद का, क्या आपको एडमिट कार्ड यहाँ पर मिलेंगे, आपको एडमिट कार्ड इशूड होंगे, उसके बाद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को डाउनलोड करने का भी लगा है प्रिंट आउट एग्जामिनेशन सेंटर का। रिजल्ट एंड काउंसलिंग, रिजल्ट जैसे मैंने कहा था 21 दिसंबर 2017 में आएगा, ये www.nausena.bharatnik.in पे आएगा। ये साइट नॉर्मली फ्रेंड्स इतना एक्टिव नहीं रहती है, इसलिए इस पर इतने ध्यान मत देना। आप नेवी की दूसरी साइट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, तो उस पर आप जाना, क्योंकि ये नॉर्मली www.nausena.bharatnik.in ये नॉर्मली इतनी एक्टिव नहीं रहती है, इस पर आप जिस किसी भी क्लिक करते हैं तो रिजल्ट शो नहीं करती है। इसके बाद आता है PEFT, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। आपका मैं कह रहा था कितने स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले रिटर्न टेस्ट होगा आपको वो करना है, उसके बाद आपका जो रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई होते हैं वो जाएंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए और मेडिकल टेस्ट के लिए। ये वहीं पे होगा जब आपको रिटर्न टेस्ट होने के बाद आपका हु विल क्वालिफाई गो फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड रिक्वायरमेंट मेडिकल, विच इज टेक्स प्लेस इन अ डे और टू डे, वन और टू डे का होगा। आपको वहाँ पे पूरा, कभी आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते फ्रेंड्स ये ध्यान रहेगा, अभी आप इस टाइप के एग्ज़ाम में फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं और कभी भी आपको जैसे इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है, तो आपको पूरा मतलब स्टाइपेंड देते हैं, आपको वहाँ तक जाने का किराया सिर्फ जाने तक का मिलता है फ्रेंड्स, तो आप उनको इन्फॉर्म कर दिए, अपनी टिकट संभाल के रखें। फिजिकल फिटनेस टेस्ट जैसा आपको बता देता हूँ, उसमें आपको मतलब आप स्पोर्ट्स में एक्टिव होना चाहिए नॉर्मली, मतलब आपको जिसे आप कोई भी गेम खेलते हैं बास्केटबॉल खेलते हैं, आपको फ्रीबॉल नॉर्मली आना चाहिए, यूं नहीं बोल रहा कि आपको मतलब परफेक्ट होना चाहिए, मतलब आपको आना चाहिए, स्विमिंग आना चाहिए, परफेक्ट नहीं लेकिन नॉलेज होना चाहिए कि स्विमिंग किस टाइप से करना, थोड़ी बहुत आपको आना चाहिए स्विमिंग कि हाँ भाई आप डूबे नहीं इतनी। आपको इसमें 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर दौड़ना है 7 मिनट में। फ्रेंड्स इसमें आपको अपनी पोजीशन बनाना पड़ेगी, मतलब आप कभी इसमें सिर्फ पास आउट होना ज़रूरी नहीं रहेगा, रेस में आपको अपना मतलब सबसे बेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आप इसमें कुछ एकदम चुनिंदा बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे जो टॉप के रहेंगे। उठक बैठक में आप ये ध्यान रखें कि अपने पाँव में फ्लैट फुट नहीं हो, कुछ बच्चों के पाँव फ्लैट फुट के कारण वो पीछे गिरते हैं और वहीं पर रिजेक्ट हो जाते हैं। अपने पाँव पे अभी से आप ट्राई करना चाहिए, जिस टाइप से चाइना में लोगों चाय पीते फ्रेंड्स, जैसे दो पाँव पे बैठ के, आपने निंजा थोड़ी देखा होगा फ्रेंड्स, जैसे थोड़ी कॉमेडी की बात हो जाती है, आपने निंजा थोड़ी देखा होगा उसमें कैसे निंजा थोड़ी अपने दोनों पाँव पे बैठता है, इस टाइप आपको बैठना चाहिए एटलीस्ट 10 मिनट, जिस कारण आपके फ्लैट फुट हट सकेंगे। 10 पुशअप्स तो फ्रेंड्स नॉर्मली है, पुशअप्स में ध्यान रखिए कि पुशअप्स आप 1600 मीटर दौड़ने के कंटिन्यू
जैसे आप 1600 मीटर दौड़ते हैं उसी कंटिन्यू बाद आपको 10 पुशअप्स करना है, वो आपको बीच में शायद ही ब्रेक दे, मुझे इतना नॉलेज नहीं लेकिन इसलिए आप एक बार तैयार भी है। मेडिकल टेस्ट में तो आपकी 157 हाइट होना चाहिए वेट, इसमें गर्ल्स तो अप्लाई कर नहीं सकती है, तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर मांगते हैं, और एक्सपांशन मतलब आपका फुल आना चाहिए 5 सेंटीमीटर, मतलब आपको बोलेंगे कि तानो अपना सीना तो आपको 5 सेंटीमीटर तक आपका इंक्रीज होना चाहिए। इसमें आपको कभी आपको मेडिकली अनफिट बता देता है ड्यूरिंग चेकअप, तो आपको वहाँ पे एक मिलिट्री हॉस्पिटल है, वहाँ पर आपको पेमेंट देके रिसीव MRO से आप अपन करा सकते हैं कि भाई हमें क्या दिक्कत है और उसको किस टाइप से बैकअप मतलब ग्रो अप कर सके आप और जिसके रिलीज हो सके। विदाउट ग्लासेस और विद ग्लासेस ये आप आइस का देख ले, नॉर्मली इज आइस नॉर्मली ये रहती है। पावर टैटूज आर ओनली परमिशेबल इफ दे आर ऑन इनर फेस और फोर आर्म्स। अब आपको उसको मैं एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ फ्रेंड्स। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे 1 घंटे का, इंग्लिश साइंस मैथ्स एंड जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में इंडिया लेवल का आएगा, इंडिया लेवल का मतलब जिस टाइप से इंडिया या वर्ल्ड लेवल का आ सकता है फ्रेंड्स, एक बार इसको कन्फर्म कर लेना। आपको इन सब सेक्शन में पास होना पड़ेगा, इसकी एक बुक आएगी, आप बुक ले ले या फिर मैं आपको इसका एक प्रिंट आउट दे मतलब उसमें एक फ़ोटो एड कर दूँगा, उसमें आप देख सकेंगे इसमें परसेंट देते हैं, मतलब आपको इंग्लिश में 75% लाना पड़ेंगे, साइंस में 22%, मैथ्स में 17%। इसी में आपको एक मतलब रफ वर्क बता रहा हूँ, वर्क रफ वर्क है, ज़रूरी नहीं है, इस टाइप का एक आपको मिलेगा, तो आपको उन सब में पास होना रिक्वायर्ड रहेगा। उसके बाद आप क्वालिफाई राउंड में आप रेस में कभी अच्छा देते तो आप सिलेक्ट हो सकते रेस इन सब में मेडिकल में। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फ्रेंड्स ले जाना है जब आपका इंटरव्यू होगा, SSB इंटरव्यू, और रिटर्न टेस्ट के टाइम आपको एक अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है, जैसे आधार कार्ड, जैसे आपका पैन कार्ड तो शायद ही, वैसे पैन कार्ड भी होगा जो 18 के ऊपर है, पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, आधार कार्ड अपना ले जाना ना भूले, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, 10th की मार्कशीट जो भी वहाँ पे बोलते हैं वो अपना दिखा दे, फोटो क्लियर नहीं है तो अपने साथ फोटो ले जाए, फोटो द क्वेश्चन आज इन द एग्जाम पैटर्न 10+2 मतलब आपको 10th 11th 12th। फ्रेंड्स इसमें आप ये देख ले कि 10th 12th 11th 12th ये 3 सब्जेक्ट, इसमें ये इसका दोनों मिक्स था, CBSE और स्टेट बोर्ड, ICSE भी थोड़ा बहुत मिक्स रहता है, ये तीनों मिक्स रहते इसमें। इसमें ध्यान रखिए कि आप इसमें 10+2 दिया तो उसमें जैसे MP बोर्ड में कोई सा चैप्टर 9th में होगा, जैसे सेट्स बच्चों को 9th में था और CBSE में 11th में है, तो इस हिसाब से थोड़ा ध्यान रखें, एक बार पूरा देख लें कि को क्या क्या सिलेबस आ रहा है। इसमें आपको पर डे मतलब डिटेल्स दिए, जैसे आपको कितना सीट पॉइंट मिलेगा, सीट पॉइंट मीन्स मतलब आपको वहाँ पे पढ़ाई के लिए जब आप पूरा या आपको ट्रेनिंग देंगे उस ड्यूरिंग में आपको कितने पैसे मिलेंगे, आपको यहाँ पे 5700 पर मंथ मिलेंगे ऑन सस्पेंडरी इनिशियल ट्रेनिंग एन अमाउंट इक्वली टू मिनिमम ऑफ स्केल। ये आपको मिलेगा जब आप ट्रेनिंग करेंगे, ये आपकी मतलब बैजेस पर रहेगा, आपको कितनी रैंक क्या रैंक है उस हिसाब से आपको मिलेगा। जब अगर पूरी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 5000 से 20000 तक का आइडिया मिलेगा सिट पैन और पेड ग्रेड मिलेगी, मतलब प्लस 2000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा सर आपको, MSP भी मतलब मंथली सर्विस कुछ इस टाइप से वो आपको मिलेगा। 7 CCP मतलब 7वां वेतनमान, प्रमोशन भी आपको इससे मिला जैसे बताया, आपकी किस क्या रैंक है क्या कितने स्टार है आपके पास उस हिसाब से मिलेगा। आप इतने टाइम तक जैसे जितने भी आपका मतलब इतने टाइम से आपकी ट्रेनिंग चलेगी, आपको यहाँ पर सारी यूनिफॉर्म रीडिंग मटेरियल फूड ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा फ्रेंड्स। आर्मी में सबसे बेस्ट यही रहता है, आपके ऊपर पर मंथ आर्मी वाले 5 पर वीक 5000 to 7000 आपके ऊपर पे किए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं आपको पूरे एक्सपेंसिव्स के लिए। सेलेस है मेडिकल ट्रीटमेंट लीव, आपको इसमें कुछ दिनों की छुट्टी मिलेगी, जैसे 1 साल में आपको 28 दिनों की छुट्टी मिलती है। ओके फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स इसमें आपको आपके मतलब बच्चे का भी उसको एजुकेशन करते हैं तो उसके लिए आपको अलाउंस मिलेगा, मतलब पैसे मिलेंगे आपको हाउस रेंट के लिए अलाउंस मिलेगा, उसमें आपको एक स्टाइपेंड मिलेगा, मतलब आपको उसके लिए भी अलग से पैसे मिलेगा। उसके बाद आपका कभी मेडिकल ट्रीटमेंट होता है ये सब के अगले पैसे मिलेगा। इसमें आपको जब आपकी पूरी ख़त्म हो जाती है जॉब उसके बाद आपको ग्रेचुटी पेंशन मिलेगी, मतलब आपको जब तक आप ज़िंदा रहते हो तो आपको पेंशन मिलेगी। मतलब उसका फ़ायदा है आपको 10 या 15 साल में टू टाइप की जॉब होती है, परमानेंट और सिंपल। तो उसमें आपको परमानेंट रहती तो वो आपके 60 तक चलती है और नॉर्मल जो रहती है आपको 10-15 साल में आपको रिटायरमेंट दे देते हैं। उस पर आपकी मर्ज़ी होती है या तो आप कंटिन्यू करें या फिर ब्रेकअप। इसके बाद आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा 37 लाख का, ये भी रहेगा। ट्रेनिंग का ये बदल 22 वीक्स की रहेगी, इस टाइप से चलेगा। वेरियस नेवल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट डिस्चार्ज अनसुटेबल सेलर्स अंडरगोइंग द ट्रेनिंग आर डिस्चार्ज अनसुटेबल ड्यू टू अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस टू एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। कभी आप अपना पूरी कोशिश नहीं करेंगे तो आपको निकाल भी सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 15 ईयर्स जैसे मैंने आपको बताया 15 साल की ट्रेनिंग रहेगी इसमें, वो कंप्लीट होने के बाद आप दूसरी कोई जॉब कर सकते हैं। ये इसका एड्रेस है, आपको इस पर एड्रेस पे आपको भेजना है। थैंक यू फ्रेंड्स।